मिर्जापुर पुलिस को गांजे की बड़ी खेप सप्लाई से पहले बरामद करने की बड़ी सफलता मिली है। थाना कछवा पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा दो गांजा तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनके कब्जे से पिकअप में लदा 3.3 क्विंटल अवैध गांजा भी बरामद किया गया है। पकड़े गए गांजे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 60 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत तथा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों व अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कछवा पुलिस व एसओजी के संयुक्त पुलिस टीम को सूचना मिली कि एक पिकअप में अवैध गांजा लदा है, जो वाराणसी प्रयागराज हाईवे की सर्विस लेन के किनारे भोला होटल के पास खड़ी है। प्राप्त सूचना के आधार पर संयुक्त पुलिस टीम द्वारा कटका स्थित भोला होटल पास से दबिश देकर संदिग्ध पिकअप वाहन संख्या UP 63 AT 9251 में सवार दो व्यक्तियों सहित हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में पिकअप में चालक की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम विकास कुमार यादव, पुत्र बबलू यादव, निवासी कोलकम थाना लालगंज मिर्जापुर, तथा अन्य सवार ने अपना नाम अशोक यादव, पुत्र फूलचंद्र यादव, निवासी कोनोही रजा थाना लालगंज मिर्जापुर बताया। पिकअप में लदे माल के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर पिकअप सवार दोनों व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि पिकअप में अवैध गांजा लदा है, जिसे बोरियों में रखी प्याज के नीचे छुपा कर रखा गया है। पिकअप वाहन में लदी प्याज की बोरियों को हटाकर नीचे 15 प्लास्टिक की बोरियों में रखे कुल 3.3 क्विंटल अवैध गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे प्रयागराज निवासी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उड़ीसा से गांजा को लाकर बिक्री करने का कार्य करते हैं तथा विक्रय से प्राप्त पैसों का आपस में बंटवारा कर लेते हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा 15,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। देखिए, कल रात में 21:05 बजे अर्थात 9:30 बजे के आसपास पुलिस को टिप ऑफ होती है, सूचना मिलती है कि सर्टेन अमाउंट में गांजा जो है कुंटल में यहाँ पर आ रहा है और प्रयागराज की तरफ जा रहा है। तो पुलिस इस सूचना पर एक्टिवेट होकर के स्वाट टीम और हमारी जो कछवा पुलिस है सक्रिय होकर के भोला ढाबा के पास कटका थाना अंतर्गत कछवा जनपद मिर्ज़ापुर में इंटरसेप्ट करके पकड़ती है। इसमें एक पिकअप पकड़ा जाता है, उस पिकअप में प्याज के बीच में या प्याज से छुपाते हुए 15-20 बोरियाँ रखी हुई थी गांजा की, जो पुलिस ने पकड़ लिया है और 60,000 रुपये के आसपास भी बरामद हुआ है। इस संबंध में पुलिस जो भी इस NDPS एक्ट का अभियोग होता है दर्ज करके विधि कार्रवाई कर रही है। अच्छा, दर्जनों बार गांजा पकड़ा गया है और वो ही उड़ीसा से वो आता है, भुवनेश्वर उड़ीसा से आता है, मिर्जापुर प्रयागराज जनपद। सर, ऐसा क्या वजह पड़ रहा है कि उस नेटवर्क को पुलिस नहीं तोड़ पा रही है जो उड़ीसा से और यहाँ तक का, वो वजह क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि उड़ीसा से ये हम लोग वहाँ पर सूचना भी कर रहे हैं और जो भी एग्जैक्ट एड्रेस मिल रहा है कि उड़ीसा से कहाँ से ये इस तरह से गांजा आ रहा है, हम जो भी अभिलेखीय कार्रवाई होगी निश्चित तौर से उसमें करेंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ और मुलजिमों के नाम अभी आए हैं प्रकाश में, जिन पर ये एक संगठित अपराध के रूप में इसको मैं मान सकता हूँ कि इसमें हो रहा है निश्चित तौर से कहीं से, जिसके प्रति इसमें और गहराई से जाँच करने और तफ्तीश करने की आवश्यकता है। अभी प्राथमिक स्तर पर जो कार्रवाई की जा रही है उसके बाद इसमें गहराई से और भी पूछताछ और जानकारियाँ की जाएगी, तदनुसार और भी इसमें विधिक कार्रवाई और यहाँ तक कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। चुनाव में इस्तेमाल नहीं होना था अब ये, अभी निश्चित तौर से पूछताछ में ये संज्ञानित हो रहा है कि ये चुनाव के, चूंकि आचार संहिता भी लगी हुई है और चुनाव के परिदृश्य में इस तरह से गांजा पकड़ा जाना और पैसा पकड़ा जाना कहीं ना कहीं से दुरुपयोग होने की प्रबल संभावना थी, जिसके मद्देनजर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है चुनाव आचार संहिता के दौरान, और हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और निश्चित तौर से हम इसमें विधि कार्रवाई अच्छे ढंग से करेंगे। इसी के साथ लेते हैं हम विराम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। नमस्कार।